आईआईटी गुवाहाटी ने, गुवाहाटी कहाँ है आसाम में, आईआईटी गुवाहाटी में वैज्ञानिकों ने नियमित मानव त्वचा से प्लूरीपोटेंट नियमित मतलब रेगुलर स्टेम सेल, पढ़ा होगा ना बायोलॉजी में, प्लूरीपोटेंट, प्लूरी माने प्लूरल, प्लूरल माने बहुत, पोटेंट मतलब संभावना, तो जिस कोशिका में बहुत कोशिकाओं को बनाने की संभावना उसे क्या बोलोगे, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल विकसित करने की तकनीक खोजी है। नेक्स्ट को, भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य यलवन, यलवन क्या है, लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है, कितने हैं, तो आदित्य यलवन को 2 सितंबर 2023 को पीएसएलवी C57 लिखोगे ना, सेवन सत्तावन इसे लिखोगे, क्या लिखा है, पीएसएलवी C57 से भेजा गया है, कहां से, सतीश धवन, कहां है सतीश धवन, क्या है हरिकोटा, कहां पर है, टिकट झील कहां है, आंध्र में ही नहीं है, करवाने जा रहे हो, खोलो जरा मैप, खोलो लिख लो, पुलिकट झील एक लैगून है, टिकट लेक, यहां देखो बाउंड्री को ध्यान से, ये है बाउंड्री किसकी, आंध्र और तमिलनाडु की, और ये बीच से देखो यहां गुजर रही है, फिर से दिखाऊं, ये देखो डॉटेड लाइंस, पुलिकट लेक का ज्यादातर पार्ट आंध्रा में है, 90% पार्ट कहां है, आंध्रा में, और 10% कहां है, लो पुलिकट झील एक लैगून है, श्री हरिकोटा एक क्या है, द्वीप है, दुनिया की पहली लिथियम आयरन फास्फेट बैटरी चीन की कंपनी CATL ने बनाया है, देखे होगा ना बहुत जगह CATL बैटरी पर लिखा रहता, बहुत सारी लिथियम आयरन बैटरी बनाती है, चीन की कंपनी CATL ने बनाया है। नेक्स्ट लिखो, भारत और जापान अपना अगला नेक्स्ट लूनर मिशन या चांद मिशन साथ में करेंगे, ठीक है, इसका नाम साथ में करेंगे, इसका नाम ल्यूपेक्स होगा, इसका नाम ल्यूपेक्स होगा, जापान की एजेंसी का नाम क्या है, जाक्सा प्लस इसरो ने इसको बनाया है, ल्यूपेक्स को सब प्लान किया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, नासा के परसिवरेंस मिशन जो रोवर है, एक पाइप ऐसे लिख लो, परसिवरेंस रोवर ने मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन का निर्माण किया है, वहां जाके एक्सपेरिमेंट किया रोवर ने, मंगल ग्रह की धरती पर, सरफेस पर, मंगल ग्रह के सरफेस पर ऑक्सीजन का सफल निर्माण किया है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। नेक्स्ट देखो, जापान के नए मून मिशन का नाम तो बोलते हैं लूनर, है ना, एक शब्द सुना होगा द बिग स्प्लेट, सुना है, बिग बैंग सुना होगा, जैसे बिग बैंग है वैसे है द बिग स्प्लेट, शब्द है स्प्लिट, स्प्लिट मतलब, तो द बिग स्प्लेट थ्योरी किसकी व्याख्या करता है, चंद्रमा के निर्माण की, फॉर्मेशन ऑफ द बिग स्प्लेट, क्या लिखा, जापान के मून, अगले मून मिशन का नाम, जापान के अगले मून मिशन का नाम मून स्नाइपर है। नेक्स्ट लिखो, भारत का पहला स्वदेशी ई ट्रैक्टर क्या नाम है, CSIR प्राइमा ET11 आपके सामने है ये, तो किसने बनाया है, लिखो इसको CSIR SMERI दुर्गापुर द्वारा बनाया गया है, CSIR की एक संस्था है, CMRI सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुर, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट लॉन्च हुआ है, मतलब बनाया है, लॉन्च किया है, दुर्गापुर कहाँ बताओ, बंगाल में, ठीक, देखो नेक्स्ट, इसको कौन लॉन्च किया है, तो लिखो केंद्रीय मंत्री
जितेंद्र सिंह ने इसको लॉन्च किया। एआई द्वारा संचालित भारत का पहला एंटी ड्रोन सिस्टम सामने है, क्या लिखा, एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल लॉन्च किया है। इसको हैदराबाद की ग्रीन रोबोटिक्स ने विकसित किया। उस दिन हम आप लोगों को बता रहे थे, मैं दिमाग से उतर रहा था, जो यूएस का है एंटी मिसाइल डिफेंस, उसका नाम है थार्ड, टाइम पे बहुत चर्चा में था। इसका नाम है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एंटी, हाँ इसे कुछ है, एंटी डिफेंस सिस्टम के नाम है थार्ड। क्या लिखा नेक्स्ट देखो, इसकी सीमा 4000, इसकी रेंज 4000 वर्ग किलोमीटर तक है, 4000 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट देखो, हाल ही में सबसे दूर तारे की फोटो, सबसे दूर तारे की फोटो कितना, 28 अरब लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष ने खींची है। सबसे जो बड़ा मेन टेलीस्कोप आजकल है वो क्या है, जेम्स वेब, जेम्स वेब ने खींची है। बस ये ध्यान रखना, पूछ सकता है कौन खींचा। तारे का नाम है पेरेंडेल, पेरेंडेल तारे का नाम है। अब लिखो, भारत में दुर्लभ धातु वेनेडियम अलंग के पास का जो जहाज तोड़ा जाता है, बड़े बड़े शिप्स होते हैं उनकी ब्रेक, उनको ब्रेक करके रिसाइकल किया जाता है, शिप्स ब्रेकिंग इंडस्ट्री बोलते हैं इसको। भारत बहुत बड़ा केंद्र है दुनिया, और भारत में सबसे एक बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र क्या है, अलंग गुजरात, शायद दुनिया की सबसे बड़ी शिप ब्रेकिंग कंपनी या कह सकते पोर्ट यहीं पर लगा है। कहाँ पे, अलंग में, अलंग गुजरात में जीएसआई के वैज्ञानिकों ने, जीएसआई के वैज्ञानिकों ने खोजा है। बगल में है ना जीएसआई का क्षेत्रीय कार्यालय, दिखता है ना ये सामने जो बिल्डिंग, वो एरिया है, बिल्डिंग बनी है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जीएसआई के वैज्ञानिकों ने खोजा है, ठीक है। अब लिखो, एमपी सरकार ने एडल्ट्स के लिए उनके सेक्सुअल राइट्स, उनके यौन अधिकारों के प्रति जागरूकता के लिए, जागरूकता के लिए सेक्सुअल राइट्स के, यौन अधिकारों की जागरूकता के लिए जस्ट आस्क खुल के पूछो नाम का चैटबॉट लॉन्च किया। मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है। ये महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि इसको एमपी सरकार ने यूएन पॉपुलेशन फंड जो है के साथ मिलकर लॉन्च किया। नेक्स्ट लिखो, विश्व की सबसे पुरानी कास्ट संरचना, विश्व की सबसे पुरानी मोस्ट एंशिएंट वुड स्ट्रक्चर कास्ट संरचना की खोज कोलंबो वाटरफॉल के पास जाम्बिया तंजानिया बॉर्डर पर खोजी गई है। जाम्बिया तंजानिया बॉर्डर पर खोजी गई, जाम्बिया आपके पेपर में भी आया था, एक बार इसको देख लो। अफ्रीका का मैप खोलो सब लोग, अफ्रीका में यहाँ है जाम्बिया, देखो ध्यान, देखो ध्यान से, अफ्रीका में यहाँ पर है कालाहारी डेजर्ट, मिला कालाहारी डेजर्ट सबको, मिला कालाहारी डेजर्ट के ऊपर, मैंने आपको बताया था यहाँ पे बहुत सारे साल्ट पैन पाए जाते हैं, बड़ा फेमस साल्ट पैन है मक्कल गड्डी या मक्के गड्डी साल्ट पैन, मिला, और यह ओकावांगो नदी से बना, यहाँ पे इसको ओकाबांगो पैन भी कहते हैं, मिला ओकाबांगो, ओकाबांगो के पास नदी होगी कुबांगो, मिला कुबांगो रिवर होगी, मिल गई, इंपॉर्टेंट रिवर है। अब यहां पर अफ्रीका में यह है कालाहारी डेजर्ट, यह है कांगो बेसिन, इनके बीच में दो महत्वपूर्ण पठार हैं, एक है कटंगा का पठार, मिला लिखते जाओ, एक है कटंगा का पठार और यहीं पर है एक पी का पठार, मिला दोनों इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, पी का पठार और कटंगा का पठार। अब यहां पर तट पर एक डिजर्ट पाया जाता है, कोस्ट पर नामिब डिजर्ट, जिसके बीच से कैप्रिकॉर्न गुजरती है, मिला
नामिब डेजर्ट। और आपको पता है मैंने एक दिन पढ़ाया था आपको, यहां पर अंगोला का एक तट है बेंगुएला, बेंगुएला के नाम से यहां पर चलती है कोल्ड करंट। और मैंने बताया जब कोल्ड करंट चलती है कोस्ट पर, वेस्ट कोस्ट पर, तो डेजर्टिफिकेशन होता है, डेजर्ट बनने की संभावना होती है। कहां? ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिकल रीजन में। तो यहां पर कौन सा डेजर्ट बन रहा है? नामिब डेजर्ट। किस वजह से? कि बेंगुएला, इसके बाद अभी आपने पढ़ा जाम्बिया और तंजानिया के बॉर्डर पर कौन सा वाटरफॉल, कैलेम्बो पूछ सकता है, कभी भी पूछ सकता है, कैलेम्बो वाटरफॉल कहां पर है, किस किस के बॉर्डर पे। इसके अलावा यहां ध्यान से देखो, लेक करीबा, करीबा डैम पर लेक करीबा है, देखो जेम्बजी नदी पर करीबा डैम है, लिख लो जेम्बजी नदी। देखो जेम्बजी का नाम क्या है, देखो यहां क्या नाम है, जेम्बे, जेम्बे, तो जेम्बे माने जाम्बिया और जी मतलब जिम्बाब्वे। तो किसकी सीमा बनाएगी जेम्बजी? जिम्बाब्वे और जाम्बिया, ठीक है। इसके अलावा यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है लिम्पोपो रिवर, मिला सबको लिम्पोपो नदी मिली, तो लिम्पोपो नदी जो है वो कैप्रिकॉर्न को कितने बार काटती है? लिम्पोपो नदी कैप्रिकॉर्न को दो बार काटती है, और चार बार कौन काटती है? और फिट्ज़रॉय कैप्रिकॉर्न को चार बार काटती है। फिट्ज़रॉय कहां है? ऑस्ट्रेलिया में। दक्षिण अफ्रीका के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर दो लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक है लेसोथो और एक है स्वाजीलैंड, जिसका नाम अब क्या हुआ है, एस्वातिनी। मिली फिट्ज़रॉय, ऑस्ट्रेलिया में बताए थे। अब यहां कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, देख लो, जो कांगो नदी है उसकी जो इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं वो बहुत पूछते हैं। तो इंपॉर्टेंट सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? लमानी, कसाई, कसाई बहुत बार पूछा है, कसाई कहां, कसाई और कुबांगो। ध्यान रखना, कुबांगो जेम्बजी की भी सहायक नदी है और कुबांगो कांगो की भी सहायक नदी। ये कुबांगो की सहायक नदी, ये उसकी सहायक नदी, ये इसी में से एक नाम है। यहां देखो इस मैप पे, जो मेरे पास मैप, देखो ध्यान से फिर से देखो, देखो एक नदी है कुबांगो पर, यहां पर कुबांगो या कुआंगो, कुआंगो यहां नाम लिखा, कुबांगो भी देता है, कुआंगो या कुबांगो एक ऊपर है और एक कुबांगो है किसकी, जेम्बजी की सहायक नदी। अब लिखो उबांगी, उबांगी राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है इंपॉर्टेंट किसकी, कांगो की। लिखो उबांगी कांगो की इंपॉर्टेंट राइट हैंड ट्रिब्यूटरी, फिर लिखो उबांगी, उबांगी पर से आ रहे हैं, ठीक है। अब कांगो की क्या विशेषता है, कांगो इक्वेटर को कितनी बार काटती है, दो बार। अब आपने सुना होगा एडवर्ड प्लेट्यू पढ़ाया था मैंने, कहा नॉर्थ अमेरिका में एडवर्ड प्लेट्यू है, लेकिन एडवर्ड लेक कहां है, अफ्रीका में। लिखो एडवर्ड लेक कहां है, अफ्रीका में। मैंने पढ़ाया था अल्बर्ट नाम की एक चोटी है, कहां पे, नॉर्थ अमेरिका में, हाँ रॉकी में है, लेकिन अल्बर्ट लेक कहां है और लेक अल्बर्टा कहां है, कनाडा में। ध्यान रखना तीनों, अल्बर्टा लेक कनाडा में है, अल्बर्ट लेक अफ्रीका में है, और अल्बर्ट चोटी कहां है, यूएस, मतलब यूएस में है। हो गया। अब देखो यहां, ये यहां निकली ऐसे, फिर काट दिया दो बार, फिट्ज़रॉय ऑस्ट्रेलिया ऐसे बना है, देखो ध्यान से, फिट्ज़रॉय एक यहां भी है, यहां पे ऐसे, यहां वाली है साइड वाली, वो चार बार काटती है, वो दिखेगा भी आपको मैप में, चार बार काटती हुई सांप की तरह चलती है, लंडरिंग। नेक्स्ट लिखो, एक और इसमें इंपॉर्टेंट है, चारी नदी। आपको पता है लेक चार्ड है बीच में, और लेक चार्ड जो है वो इनलैंड वाटर का क्या है, एक एग्जांपल है। तो यहां पर चारी बड़ी इंपॉर्टेंट नदी है, चारी, हाँ सारी, चारी सारी एक ब्रांड है परफ्यूम का, क्या पढ़ते हो उसको, लिखते क्या हो, वो सारी ही तो लिखा है, सारी को लिखेंगे सी एच आर आई, लिखा है चैनल, पढ़ते हैं शिनाइल, पढ़ते हैं ना वैसे ही है, लिखा रहता है मिचेल और पढ़ते हैं मिशेल, ऐसे होता है ना, उनकी बीवी का नाम है शायद बराक ओबामा के, मिशेल ओबामा, मिशेल ही नाम है ना, हंसन डार्क है,
एल स्टार सबसे ज्यादा महंगा बिका है ना, एट कमिंस और वो। अब देखो यहां ध्यान से, एक और रिवर है, देखो नील की स्थिति देखो, पहले नील कहां से निकल रही है और आगे बढ़ रही है, ध्यान से देखो। फिर नील में मिलती है ब्लू नील, अब ब्लू नील कहां से आती है, ताना से, ताना से ब्लू नील आती है और खारतूम में मिलती है कहां, उसके बाद इसमें मिलती है अताबारा नदी, बहुत इंपॉर्टेंट, अताबारा नदी जो इथियोपियन हाईलैंड से आती है, मिली। अब जो एटबारा अताबारा जो भी कहे, अताबारा नदी, ठीक। उसके बाद ऊपर आपको पता है नील नदी पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर एक डैम बना है, कौन, आसवान। तो पूछा जाए किस झील से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, तो यहाँ बहुत बड़े महान शासक थे नासिर, नासिर जब तक थे तब तक अरब्स की हालत खराब हो जाती थी, मतलब इसराइल की, इसराइल जब तक नासिर थे तब तक, नासिर आपको पता है गोरिल्ला वारफेयर जो हुआ है मॉडर्न डेज में उसके बहुत बड़े एग्जाम्पल है, कौन, मास्टर माइंड नासिर। तो नासिर के सम्मान में झील है लेक नैसर, एक डैम का नाम आसवान। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जो पूछता है, एक तो देश जिबूती पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, के ऊपर जब जाओगे इरिट्रिया के साइड तो एक इंपॉर्टेंट डेजर्ट है जो बहुत पूछता है, नूबियन डेजर्ट, और एक डेजर्ट है ईस्टर्न डेजर्ट। क्रम लगाओ जरा, नॉर्थ टू साउथ डेजर्ट्स का क्रम लगाओ, सबसे ऊपर कौन होगा, ईस्टर्न डेजर्ट, के बाद नूबियन, नूबियन डेजर्ट, नूबियन डेजर्ट मिला। उसके बाद नीचे आओगे तो एक जगह पड़ेगी दारफुर, दारफुर भी एक डेजर्ट टाइप का रीजन है, दारफुर मिला। कुछ और इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो सहारा, वो सहारा, वो क्या नाम वो है, डेजर्ट है, उसके कुछ पार्ट जो पूछता है, एक तो दारफुर हो गया, मिला सहारा, सब सहारा रीजन, थोड़ा बहुत सहारा का रीजन भी आता है इसमें। दारफुर के ऊपर एनएडी मिला, एनएडी मिला, यहां देखो, यहां दारफुर से जस्ट ऊपर एनएडी, उसके जस्ट ऊपर तिबेस्ती मिला, तिबेस्ती, हाँ प्लेट्यू, प्लेट्यू माउंटेन का प्लेट्यू रीजन है, सहारा के अंदर बहुत सारे प्लेट्यूज हैं छोटे छोटे, प्लेट्यू माउंटेन, ठीक, तिबेस्ती मिला, ये सब वो है टेबल लैंड, तिबेस्ती मिल गया तो होंगे ही भाई टेबल लैंड में, नागपुर कौन सा पीक है, नागपुर प्लेट पढ़ा होगा ना, छोटा नागपुर पठार में बहुत सारे पीक्स हैं, ठीक। अब है हॉगर, पढ़ा लिखा हॉगर, और इसमें एक चीज और दिखाता, एक बड़ा इंपॉर्टेंट है जोस प्लेट्यू, जोस प्लेट्यू है, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है फुत्ता जलान, जोस मिला, जोस के बाद यहां देखो ये है फुत्ता जलान, फुट्टा जलान से नाइजर नदी निकलती है, फुट्टा जलान हाईलैंड मिला, यहाँ सब जहां से निकलती है ये ऊपर इधर गैबोन, गैबोन और इधर नीचे फुट्टा जलान से, जहां लोमा माउंटेन है ये फुट्टा जलान लोमा, यहां से निकलती है कौन, नाइजर, एक तरफ नाइजर और दूसरे तरफ सेनेगल और गाम्बिया, और रिवर्स निकल रही है, मिला जोस प्लेट्यू मिला। फिर जोस प्लेट्यू के नीचे अदमावा, अदमावा मिला, अदमावा दोनों है, मतलब प्लेट्यू, प्लेट्यू भी है, प्लेट्यू मतलब आइलैंड भी है और अदमावा के नाम से माउंटेन्स भी है। अब यहाँ जो इंपॉर्टेंट नदी है नाइजर, मैंने बताया आपको नाइजर के सामने जो सोना, उधर सोने का बहुत सारा व्यापार होता था, आपको बताया था ना प्लेसर डिपॉजिट, इसका नाम है गोल्ड कोस्ट, कोस्ट का नाम क्या है, यहाँ गोल्ड, एक गोल्ड कोस्ट कहाँ है ऑस्ट्रेलिया में, एक गोल्ड कोस्ट कहाँ है ऑस्ट्रेलिया, एक सीरीज आई थी बीच में चोरी करते हैं सब इटली में, क्या नाम है, मैं नाम लेता है गोल्ड कोस्ट का, नहीं उसमें नहीं, कोई ओजार्क सीरीज आई थी, ओजार्क प्लेट्यू पढ़ाए हैं, खैर गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में है ध्यान रखना, और यहां पर इस कोस्ट को भी क्या कहते हैं, ठीक नाइजर हो गया। इसी पर देखेंगे ध्यान से लेक वोल्टा, घाना में, यहां देखो घाना में लेक वोल्टा बहुत इंपॉर्टेंट मिला, और लेक वोल्टा से प्राइम मेरिडियन गुजरती है, सकता है किस लेक से प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन किस लेक से गुजरती है, क्या नाम बताओगे, ये सब लिख लेना प्राइम मेरिडियन वाली जब बात है, जो कभी भी कहीं भी उठा के पूछ सकता है, कोई भरोसा थोड़ी। अब लिखो आईफोन 15 में
आईफोन 15 में पहली बार इसरो का जीपीएस नाविक डाला गया है। इसरो का जीपीएस नाविक डाला गया है आईफोन 15 में पहली बार इसरो का जीपीएस नाविक डाला गया है। नेक्स्ट लिखो, विश्व का पहला ह्यूमनाइड रोबोट पायलट इसका नाम है पाईबोट, का नाम है पाईबोट, ह्यूमनाइड रोबोट पायलट पाईबोट कोरिया ने विकसित किया है। वो बीच में शायद रो रहा था, हाँ उसका यह कि आया था पॉपुलेशन डाउन हो रही हो, यहाँ पे कोई रोती हुई तस्वीर, रो रहा था वो सम्मेलन में, ये था कि रो रहा था तो सब लोगों को रोना था उसमें। एक वहाँ ऐसा भी है कि उनके जो पूर्वज थे जब मरे हैं, जो जिनको बोलते हैं आपके फादर के बारे में, गांधी जी हैं फादर जो हैं, उनकी जब मृत्यु की जयंती मनाई, क्या बोलते हैं उसको, मृत्यु, हाँ डेथ वाली जो मृत्यु विभीषिका जो मनाई जाती है, उसमें सबको रोना होता, जो नहीं रोता उसको सजा होती। क्या हेयर स्टाइल देख लिया जाए, अगर हेयर स्टाइल जो है किम जोंग उन की जैसी है तो वैसी हेयर स्टाइल सारे जो पुरुष हैं उनको रखना। अब माना जा रहा है इसकी सिस्टर कोई है वो राज करेगी, बहुत अच्छी है नहीं पता है लेकिन राज करेगी, अरे बहुत अच्छी, मैं कह तो रहा हूँ आगे पता लग रहा है कि वो रेन को कंटिन्यू करेगी शासन को। क्या लिखा, ये लिखो, अब लिखो नीपा वायरस के पता लगाने के लिए, इसकी जो नीपा जब पता लगाया जाता है उसके टेस्ट का नाम है टूनेट टेस्ट की मंजूरी आईसीएमआर ने, ठीक है, टूनेट टेस्ट की मंजूरी आईसीएमआर ने दी है, अप्रूवल दिया है। फिर लिखो भारत का पहला ग्राम एटलस, ठीक है, उत्तरी गोवा के मायेम गांव में लॉन्च किया गया है,